वेजिटेबल ऑयल ले लिया है और 1 टेबल स्पून मैं इसमें घी डाल दूँगी। फिर हम इसमें इलायची, दालचीनी की पिस्टी, जावित्री और फिर मैं लौंग और ब्लैक पेपर और यहाँ पे मैं थोड़ी सी पिस्ता और बादाम डाल दूँगी और दो तेज पत्ते, गाजर और अदरक। इसके बाद पीस डाल दूँगी और दे दूँगी अपने टेस्ट के अनुसार। मैंने यहाँ पे एक मग चावल ले लिया है, अच्छी तरह इसे हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी टर्मरिक भी मैं डाल दूँगी इसमें कलर के लिए, या आप फूड कलर भी दे सकते हैं। मैं इसमें टर्मरिक डाल रही हूँ। अच्छी तरह चावल को घी के साथ मिक्स कर लीजिए और इस तरह आप चावल को 1 मिनट तक हल्के फ्राई कर लेना। और फिर आप इसमें जिस बर्तन से या जिस कप से आपने चावल की क्वांटिटी आपने लिया है उसी से आप इसमें पानी, अगर आपने 1 कप चावल ले लिया है तो आप 1.5 कप पानी डालना। उसके बाद मैं इसमें ढक्कन दे दूँगी और फिर इसमें अब अपने हिसाब से थोड़ी सी शुगर डाल देना। अच्छी तरह मिक्स कर लेना इस चावल के साथ। बैलेंस के लिए मैंने शुगर इसमें दिया है और लास्ट में मैं इसमें थोड़ी सी केवड़ा का पानी डाल दूँगी। थोड़ी सी केवड़ा वाटर हम मिलाएंगे इसमें। और फिर से हम इसे ढक देंगे और ढक के मुझे इसको गैस बंद कर लेना है और उसी और 10 मिनट तक एसी रखना है मुझे इसको। और दम पे मैंने रखा था इसे, देखिए और ये आप पनीर के साथ या जो नॉन वेज है वो चिकन के साथ या मटन के साथ खा सकते हैं।